संघ प्रदेश दमन के मोटी दमन स्थित परियारी ग्रुप ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा का आयोजन किया गया था। दीप प्रागट्य कर ग्राम सभा का प्रारंभ किया गया था। इस अवसर पर परियारी पंचायत के सरपंच पंक्ति बेन द्वारा दमन एवं दीव के सांसद श्री उमेश भाई पटेल का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। साथ ही परियारी सरपंच पंक्ति बेन द्वारा मुख्य अतिथि के तौर पर आए पंचायती राज के डेप्यूटी सेक्रेटरी अरुण मिश्रा जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। साथ ही यह ग्राम सभा में सांसद श्री उमेश भाई पटेल ने परियारी ग्राम पंचायत में चल रही विविध समस्या के ऊपर प्रकाश डाला। इस ग्राम सभा में दमन एवं दीव के सांसद श्री उमेश भाई पटेल, पंचायती राज के डेप्यूटी सेक्रेटरी अरुण मिश्रा, जिला पंचायत प्रमुख श्रीमती जागृति बेन पटेल, जिला पंचायत उपप्रमुख बाबू भाई पटेल, परियारी ग्रुप ग्राम पंचायत के सरपंच पंक्ति बेन पटेल, उपसरपंच संतोष भाई हलपति, अन्य पंचायती सभ्य एवं बड़ी संख्या में ग्राम जनों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप, हेल्थ चेक उप कैंप और मां के नाम एक पौधा रोपण किया गया। अही 2 ऑक्टोबर ना ग्राम सभा ने स्पेशल ग्राम सभा ना उपलक्ष में उपस्थित पंचायती राज ना डिप्यूटी सेक्रेटरी अरुण कुमार मिश्रा जी, जिला पंचायत ना अध्यक्ष बेन जागृति बेन, अहिना पंचायत ना प्रमुख स्थान में आजना ग्राम सभा ना सरपंच अंकिता बेन जी, जिला पंचायत ना वाइस प्रेसिडेंट मारा मित्र बाबू भाई, डिप्यूटी सरपंच संतोष भाई, प्रमोद भाई, तेमज विविध विभाग थी आवेला ऑफिसरगण, अही उपस्थित मारा गाम ना वडीलो माताओं बहनों युवा मित्रों, अही जे ग्राम सभा छे तेमा लखायु छे स्पेशल ग्राम सभा। हूँ तेरे बात करता तो तेरे साहेब मने कहता था अपना सेक्रेटरी साहेब के ये मोटी ग्राम सभा बाकी छे, पर ग्राम सभा कदी नानी मोटी होती नथी, पर अब तमने हूँ तकलीफ थशे पर हूँ जरा हिंदी में इतने बोलवा मांगू छू के अही जे साहेब आवेला छे पंचायती राज ना डिप्यूटी सेक्रेटरी, तेने आपणी बधानी तकलीफ સમજવા પડે, કેમ કે તમને તો બધી તકલીફ ખબર છે જ। તો સર મેં ગુજરાતી મેં ઇસલિયે બોલ રહા થા કે થોડા ઇનકો સમજા। યહાં હમારે યહાં દો પ્રકાર કે કાયદે ચલાએ જાતે, એક કાયદા જો હૈ વો સંવિધાન કા હૈ ઓર દૂસરા જો કાયદા હૈ યે સ્થાનીય પ્રશાસન કા। યહાં ભી ગ્રામ સભા દો પ્રકાર કી હોતી, એક છોટી ગ્રામ સભા હોતી હૈ એક બડી ગ્રામ સભા હોતી। अब मैं आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि संविधान में छोटी ग्राम सभा और बड़ी ग्राम सभा का मतलब कैसे बाइफ्रिकेट किया गया। ग्राम सभा मतलब ग्राम सभा होती, ग्राम सभा में सारे लोगों के विचार, लोगों के काम, लोगों को जो भी स्कीम या जो स्कीम के बारे में जानकारी या नई नई योजनाओं की जानकारी या हमारी समस्याओं का समाधान के लिए हमें क्या चाहिए उसके लिए यहाँ ग्राम सभा में हमें बात चर्चा रखनी होती है और सर्वमान्य जो बातें होती है जो निष्कर्ष निकलता है उस पर रिजर्वेशन लेना होता है। पर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ कोई भी डिपार्टमेंट का अधिकारी आपको नजर नहीं आता, यहाँ ना कलेक्टर आता है ना जिला पंचायत के सीओ आते हैं, यहाँ तक कि यहाँ पर वीडियो से लेकर मामलेदार सब यहाँ पर एक ही कार्यक्रम में जाते हैं जहाँ हमारे प्रशासक जी जाते हैं, और यहाँ जो है वो जनता का कोई महत्व नहीं है। यहाँ महत्व है तो सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों का। तो आपको ही अनुसंधान में कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ सर, ये जो पंचायती राज है आपसे बेहतर और कौन जान सकता। 1992 में 73 संविधान संशोधन अधिनियम भारत के संविधान का भाग 9 में शामिल किया गया। इसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 को आकार और संरचना प्रदान की।
ये देश की जमीनी इकाई में अधिक लोकतांत्रिक निकाय प्रदान करने की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए सबसे महत्वपूर्ण कदम में से एक था। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय संरचना तहत हुए संशोधन अधिनियम में दो तरह के प्रावधान, ये प्रावधान है स्वैच्छिक प्रावधान और अनिवार्य प्रावधान। स्वैच्छिक प्रावधान राज्य सरकारों की स्वतंत्रता की ओर इशारा करते हैं, जबकि अनिवार्य प्रावधान राज्य कानून के साथ जुड़े हुए थे। उसका निष्कर्ष क्या था? भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में ग्रामीण विकास के लिए त्रिस्तरीय संरचना को व्यापक रूप से पंचायती राज के रूप में जाना जाता है। इस संरचना में ग्राम पंचायत, पंचायती समिति, जिला परिषद शामिल है। पंचायती व्यवस्था के पीछे मूल विचार महात्मा गांधी के सिद्धांतों का था और उनके आदर्शों से आया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो भारतीय नीति का एक निर्देशन सिद्धांत भी है, देश में पंचायती व्यवस्था के महत्वपूर्ण संबंधित है। 92 में जो 74वां संविधान संशोधित अधिनियम भारतीय संविधान के 5(9) में शामिल किया गया था, इसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 को आकार और संरचना प्रदान की। देश में पंचायती राज की व्यवस्था को विचार पूरी तरह से स्वतंत्र भारत के आदर्शों पर ही आधारित नहीं था। सदियों से देश में राजनीति की सबसे प्रमुख प्रणालियों में से एक पंचायती व्यवस्था हमारे भारत में रही है। महात्मा गांधी जी ने पंचायती राज को सरकार की भी केंद्रीकृत रूप माना था। उन्होंने पंचायती राज को ग्राम साम्राज्य या ग्राम स्वशासन कहा था। गांधी जी के मुताबिक पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम के वयस्क 5 रुपए के परिषद भी होनी चाहिए। पर यहां क्या हो रहा? गांधी जी ने तो यहां तक कहा था कि पंचायत राज जब तक सक्षम नहीं होगी तब तक राष्ट्र का विकास नहीं होगा। गांधी जी के तो विचार थे, गांधी जी का मानना था कि स्वतंत्रता का मतलब भारत के लोगों की आजादी होनी चाहिए, न कि उन लोगों की जो उन पर शासन करते हैं। लोगों का शासन होना चाहिए, ना कि उन ब्यूरोक्रेट्सों का जो उन पे गवर्न करते हैं या राज करते हैं। पर यहां तो हमारे लोगों की आजादी नहीं है, यहां तो अधिकारी द्वारा हमारे पे शासन चलाया जाता है, हम पे नए नए रूल्स लाके थोप दिए जाते हैं। गांधी जी ने कहा था कि स्वतंत्रता के नीचे से ही शुरू होनी चाहिए, स्वतंत्रता नीचे से शुरू होनी चाहिए। आखिरी पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है वो रहता है, उसका विकास होना चाहिए। जब उसका विकास होगा तो राष्ट्र का विकास होगा। गांधी जी का तो मानना था जो हम सबके लिए बहुत ही नेक था, और वो विचार था पंचायतों के पास सभी अधिकार होने चाहिए, और यही कल्पना थी पंचायती राज। पर हमारे पंचायतों के पास कोई पावर्स नहीं है। हमारे 8-8 साल से हमारी ग्राम पंचायतों को 1 रुपये का फंड नहीं मिलता। जिला पंचायत हो या नगर पालिका हो, हमारे अध्यक्ष को तो सिर्फ गढ़पुतली बनाकर बिठा दिया गया है। सीओ उन पे हावी है, सीओ आज फील्ड में जाता है और हमारे प्रेसिडेंटों को पूछता तक नहीं है। ग्राम पंचायत है, जिला पंचायत है, नगर पालिका है, उनके पास पावर ही नहीं है। तो पंचायत है, जिला पंचायत है, नगर पालिका है, गांव का विकास कैसे करें? जब स्वराज्य संस्थाओं के पास ही पावर नहीं है तो गांव का विकास कैसे होगा? आपको एक हैरानी करने की बात बताता हूं सर। यहां तो सफाई करने का पावर भी हमारे पंचायतों के पास नहीं है। उसके लिए ट्रैक्टर हमारे, हथियार हमारे, और एजेंसी को दिया गया है पावर काम। और उसके लिए हमारे यहाँ जब ग्राम पंचायत में हम जब टैक्स भरने आते हैं तो 2 चेक बनाना पड़ते हैं। एक टैक्स होता है ग्राम पंचायत के लिए और एक चेक बनाना पड़ता है वो एजेंसी के लिए। अगर पंचायत बाप के पास सफाई का भी काम नहीं रहेगा तो पंचायत करेगी क्या? ये कार्यक्रम फंड देना नहीं है, सफाई का काम का जो फंड आता है वो भी आप एजेंसी को दिला देते हो, वो भी डायरेक्ट, तो पंचायत किस काम की? यहां पर सर कागजी और दिखावे की कामगिरी यहां पर हो रही है। आपने कहा था कि ग्राम सभा का मतलब होना चाहिए,
लोगों की भागीदारी, लोगों की उसमें इन्वॉल्वमेंट। यहां आपको देख रहे हैं तो बेचारे वो लोग, वो गरीब, वो मजबूर लोग जिनके काम धंधे लोगों के छीने हुए। विकास किसको कहते हैं? क्या कॉन्क्रीट का जंगल बना देने से विकास हो जाएगा? हमने बीचेस बनाए, बहुत अच्छे बीचेस बनाए, लैंडमार्क है हमारा, पर सर बीचेस का क्या फायदा जब हमारे घर में गरीबों का घर का चूल्हा बंद हो जाए? जब बीचेस नहीं थे तो हमारे यहाँ कम से कम 300 से 400 लोगों के परिवार नपता था। 400 लोगों का ही नहीं, उसके साथ साथ 3 से 4 हजार लोगों का धंधा चलता था। आज बीच बना तो रोजगार बढ़ना चाहिए था, तो आज क्या हो रहा है, सारे लारी गल्ले दुकान बुकान सबको तोड़ ताड़ कर उनके काम धंधे को बंद कर दिया गया। विकास की परिभाषा क्या है? विकास का मतलब ही यही है कि वो गरीब का, गरीब आदमी, मजबूर आदमी, उनको काम मिले, धंधा मिले, रोजगार मिले। मगर यहां पर उल्टी गंगा बह रही। यहां लोग बैठे हैं, सर ये ग्राम सभा ही है, उसका रेजुलेशन पास होना चाहिए। मैं 2-4 रेजुलेशन कहने के आया हूं और वो रेजुलेशन आज की सभा में पारित किया जाए। यहां जो बीच है जमपुर बीच, उस पर जितने भी लोग सालों से काम करते या काम धंधा चलाते लारी गल्ला दुकान, उनको स्टॉल दिए जाए और उसको सरकारी लाइसेंस दिए जाए, साथ में गोवा के तर्ज में लीकर बेचने का भी लाइसेंस दिया जाए, ताकि इन गरीबों का घर बार दुकान चले। सर यहाँ टूरिस्ट मोटी दमन में पहले आते ही नहीं थे, टूरिस्ट आते थे नानी दमन में। अगर यहाँ टूरिस्ट आना शुरू हुआ है तो ये हमारे परियारी पंचायत के लोगों की वजह से। उन्होंने बीचेस को साफ किए, उन्होंने डेवलप किया, यहाँ खान पान के लिए उन्होंने व्यवस्था की, लोगों को अपने रुचि के अनुसार टेस्ट स्वाद का उन्होंने भोजन पिरोसा और तब जाके यहाँ पर लोगों को टूरिज्म को बढ़ाया। तो टूरिज्म बढ़ाया है, बीचेस को अगर मान्यता दिलाई, ख्याति दिलाई, तो उसका श्रेय ये हमारे पंचायत के लोगों को जाना चाहिए, जनपुर और परियारी के लोगों को जाना चाहिए। तो मैं सेक्रेटरी साहब से विनती करता हूँ कि आज खास करके ये ठहराव लिया जाए कि यहाँ पंचायत में जमपुर बीच ऊपर और इसके आजू बाजू में जो भी काम धंधा चलता है उसको स्टॉल को रेगुलर किया जाए, उनको स्टॉल दिया जाए और उनको सरकारी मापदंड के हिसाब से जो भी लाइसेंस देने हैं उसकी प्रक्रिया की जाए। ठहराव लेवानो के नहीं लेवानो भाई? ठहराव नहीं लीजिए, नहीं ले लो ना, तुम्हें हंसी पसी रेडी है, पाता मारा है अभी इधर लंदन में हमें फिरिया करेंगे। अबे और सर, अभी भी हमारे यहाँ आवास योजना की कमी है, गरीबों को जो आवास मिलने चाहिए वो आवास के लिए जो मापदंड है उसको उसमें भी सुधार करने की जरूरत है और गरीबों को ज्यादा से ज्यादा उसका बेनिफिट मिले। आज हमारी भारत सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है कि हर एक मजबूर के सर पर छत हो। तो सर यहाँ हमारे पंचायत, ये परियारी पंचायत है, वो आदिवासी बाहुल है, यहाँ गरीब लोगों के पास जमीन नहीं है, तो उनके लिए प्रावधान किया जाए और जब सरकारी जमीन अपडेट कर इन गरीबों को घर दिए जाए। सर ये दमन दीव पहला प्रदेश है जहाँ मकान तो अच्छे दिए जाते हैं मगर 1-1.5 लाख रुपया इन गरीबों से मांगा जाता है। अब गरीब के पास 1-1.5 लाख रुपया नहीं है तो घर उनको नहीं मिलता। तो सरकार, भारत सरकार से ये भी मेरी मांग है, ये भी रेजुलेशन लिया जाए कि गरीब से 1 रुपया भी ना लिया जाए और जरूरतमंदों को घर दिया जाए, ये भी ठहराव लिया जाए। सर हमारे आदिवासी लोगों की और हमारे दमन दीव में एक और प्रॉब्लम है और इस पंचायत में भी है, हर घर जल, हर घर नल। तो ये नल के माध्यम से हर गरीब के घर या जरूरतमंद के घर पानी मिलना चाहिए। हमारी भारत सरकार कहती है कि हर लोगों को पानी मिल चुका है मगर वास्तविकता अलग। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये भी आई है कि पहले नल लगाए गए थे, पानी मिलता ही नहीं था, पानी आता ही नहीं था, अभी भी ज्यादातर घरों में पानी नहीं आता, मगर बड़े बड़े बिल आ गए। अब बिल नहीं भरा
तो मेरे ग्रैंडफादर ने नहीं बिल भरा तो यहाँ की लाइट आप पानी का कनेक्शन कट हो गया, और वो पानी जब तक वो बिल नहीं भरेगा वो लाखों का बिल आया, पानी आया ही नहीं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पुराने बिलों को माफ करके ये हमारे जरूरतमंद लोगों को फ्री में पानी पहुंचाया जाए और मेरे नाम से फिर से उनको कनेक्शन दिया जाए। सर रोडों की भी हालत आपने देखी होगी, हमारे यहाँ तो वीआईपी आते हैं तो हम लोग एक ही रूट पकड़ते हैं, मसाल चौक से निकलकर काठा विस्तार पकड़ के आ जाते हैं, मगर हमारे गाँव की हालत खराब है, गाँव के अंदर अंदर रोड भी बहुत खराब है। तो उसके लिए भी विशेष हमारे लिए रोडों का काम आपने अभी कहा तो इस पर भी ग्राम पंचायतों में जो रोड के काम बाकी है उसके लिए करवाया जाए। सर बहुत ज़्यादा बातें हैं मगर यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है, तो इस बार मैं अगली ग्राम सभा के लिए बचा के रखता हूँ, पर आपको मैं यही कहना चाहता हूँ बिना पंचायतों को सक्षम बनाए, बिना उनको फंड दिए, बिना उनको पावर्स दिए, पंचायती राज कभी नहीं आएगा, और कभी भी ग्रामीण ग्राम विस्तारों का ग्राम पंचायतों में बसने वाले लोगों का विकास नहीं होगा। अगर इनका विकास नहीं होगा तो राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। आपसे अनुरोध है कि पंचायतों के जो संशोधन 73 में पावर्स दिए गए हैं और हमारी जिला पंचायतों को भी जो हेड वाइज 24 हेड हमें मिले हैं, हमें जो पावर्स दिए गए हैं उस पंचायती राज में वो पंचायतों को पावर्स दिए जाए। सर आपको और एक तकलीफ की बात कहता हूँ, पहले दो एक चैट पे दो साइन होते थे, सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी भी साइन करता था, अब तो ये भी साइन नहीं कर सकता। तो आपसे अनुरोध है कि ग्राम पंचायत में जो मिले पावर्स है उनको वापस रिस्टोर करें और पंचायती राज को सक्षम बनाने के लिए पहल करें। मैं जानता हूँ कि यहाँ के अधिकारियों को और यहाँ के लोगों को प्रोटोकॉल नहीं पता है, आपका धन्यवाद। हमारे वीडियो सेक्रेटरी को भी पता नहीं है, पर जो एमपी होता है वो सर्वोच्च नागरिक है गमन दीव का, उसका प्रोटोकॉल सबसे ऊपर होता है और वो होता है तो वही मुख्य अतिथि होता है, उसका ही सम्मान पहले होता है। सर का आभार, कभी मैंने सर को इसलिए बोला कि अतिथि देवो भव, मतलब अतिथि जो होता है वो भगवान तुल्य होता है, इसलिए मैंने सर को बोला था कि नहीं आपका प्रोटोकॉल के साथ आप मत चलिए, क्योंकि हमारे लिए आप अतिथि है और आप हमारे प्रदेश के लिए हमारे भगवान। पर सभी लोगों को ध्यान देना होगा कि दमनदीप का सांसद जो है अब बदल गया है, और वो प्रोटोकॉल पहले आप लोग नहीं देते थे मगर अब प्रोटोकॉल तो हम लोग छीन के लेंगे, और प्रोटोकॉल का ख्याल रखिए ये सांसद जो है वो उमेश पटेल नहीं है, ये दमनदीप की लोगों की चुनी हुई उम्मीद है और आशाएं और अपेक्षाएं है। उमेश पटेल नहीं बोल रहा है, ये सांसद बोल रहा है जो इन लोगों की आवाज होती है, और ये जो प्रोटोकॉल है वो मेरा नहीं है, जनता का है, तो ये प्रोटोकॉल का हमेशा से ख्याल रखें। और ये माध्यम से आपके माध्यम से मैं अधिकारी को भी बताना चाहता हूँ कि ग्राम सभाएं छोटी बड़ी नहीं होती, अब हर ग्राम सभा में हर एक अधिकारी को उपस्थित रहना होगा और जो भी योजनाएं हैं और जो शिकायतें हैं उसको सॉल्व करना होगा, नहीं तो आप लोगों की ड्यूटी एसी में बैठकर गाड़ी घोड़ा लेके घूमने तक की नहीं है। अगर आपसे काम नहीं होगा तो आपको यहाँ से कैसे भगाना है वो भी हमें आता है। अभी मैं थोड़ा नया हूँ तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि नया है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, पर समझ में जल्दी जाता हूँ, और अधिकारी भी अपनी अपनी जवाबदेही समझे, क्योंकि उनको जो पगार भारत सरकार द्वारा दी जाती है वो हमारी सेवा के लिए है, हम पे राज करने के लिए और हम पर नियम थोपने के लिए नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से ये वीडियो के माध्यम से इन अधिकारी को भी कहना चाहता हूँ, अगली ग्राम सभा में हर एक अधिकारी अपने डिपार्टमेंट से यहाँ उपस्थित रहे, अन्यथा आप लोगों को वापस की रिटर्न टिकट भेजने का हमें भी आता है। बस कुछ नहीं देना सर, आप आए आपका वेलकम है, आपका आभार है, और आपने प्रोटोकॉल के हिसाब से मुझे जो प्रोटोकॉल दिया है उसके लिए भी आपका आभार है, धन्यवाद। सर हमारे यहाँ परियारी गुबरा पंचायत जो है वो 89% ट्राइबल है, यहाँ पे यहाँ की कम्युनिटी गांव नाइलापाड़ी में अभी भी नाइलापाड़ी टाकी से लेकर ग्राउंड तक का रास्ता बहुत ही बिस्मार हालत में है, पंचायत के सभी रोड बन चुके हैं लेकिन ये दो रोड जो है एक नाइलापाड़ी के और एक देवापाड़ी के अभी भी वो रोड बहुत ही खराब स्थिति में है, जो जल्द से पूर्ण करने की हम मांग करते हैं। हर घर में जल की
पूर्ति हो चुकी है। इस तरह का वहां सांसद में एक बयान जारी किया गया है, मैंने देखा है वीडियो में, लेकिन ये सही नहीं है। अभी भी आज भी हमारे अधिकारी को इस माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उनको सूचित करता हूं, उनको दिखाना चाहता हूं, आप मेरे गांव में आइए, मेरे गांव में आइए, मैं बताऊंगा। आप हमारे गांव में आइए कि कहां कहां घरों में नल नहीं है, पानी तो छोड़ो नल ही नहीं है। और दूसरी चीज, हमारे पिताजी जो नल यूज करते थे, बात सही है तो गांव वाले हां बोलेगा, अगर गलत है तो ना बोलेगा। हमारे जो पिताजी नल यूज करते थे वो नल नहीं है, और हमारे बहुत सारे घरों के बिल, नल कनेक्शन जो जल के बिल है वो बाकी है। मैं मन से खुला बोल रहा हूं, बाकी है, लेकिन वो बाकी क्यों है? क्योंकि पानी नहीं आया है। अगर आप देखेंगे, अगर पानी नहीं आया तो हम बिल क्यों भरे? हम तो कई वर्षों से मांग कर रहे हैं कि प्रशासन से कि जब तक बिल पानी आया है तब तक का बिल हम भरने के लिए तैयार है, लेकिन जब से पानी नहीं आया है तब से जो बिल ऐसे ही आ रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है लेकिन बिल आ रहे हैं, वो बिल सर माफ किए जाए और हमें नए कनेक्शन दिए जाए। जहां हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा सीफेस रोड डेवलपमेंट हुआ है, अभी उमेश भाई तो बहुत सारे बातों को लेके भिड़ भी गए हैं। हमारे यहाँ पर्यायी पंचायत में ऐसे चार घर है मांगेला समाज के, जो जनपुर सीधे किनारे पे रहते हैं, वहां पे पोर्चुगीज शासन का एक चौकी बना हुआ है। अभी उसे देखकर तो हम वही बोल सकते हैं कि हम प्रशासन के साथ, वहां चौकी हमारे पोर्चुगीज समय से है। वहां पे चार घर हमारे मांगेला समाज के हैं। हमने बहुत सारी बार उनके घरों पे नोटिस आई है, उनको तोड़ने की नोटिस दी गई है, कई बार हमने उन्हें बचाया भी है। चलो बचाए, लेकिन कल बचा के उसकी कोई गारंटी दे नहीं रहा है। हम प्रशासन से इसी मंच से बात करना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारी आवास योजनाओं के यहाँ बिल्डिंग बने हुए हैं, तालाब पे बने हैं, हमारे पूरे गांव, हमारे परियरी वार्ली वार बना हुआ है। उस आवास योजना जो बिल्डिंग बनी है उसमें बहुत सारे लोग बाहर से, दूसरे गांव से हमारी पंचायत में लाए गए हैं रहने के लिए। पुनः सर्वे किया जाए, उसमें बहुत सारे घर में फक्त लॉक मार के रखे गए हैं, उसमें कोई रह नहीं रहा है, उनको वापस रद्द किया जाए और हमारे जो चार घर हमारे तोड़ने वाले हैं, जो दरिया कटे रहने वाले, उसको उसमें शामिल किया जाए ताकि उनको घर मिले। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हर घर तक रोड जानी चाहिए, कैसे जाएगी? जब पंचायतों को पावर दी जाए, जब पंचायतों को फंड दिया जाए। कि हमारी पंचायत के सरपंचों को पावर नहीं है, फंड नहीं है। अभी हाल ही में देशों में, हाल ही के दिनों में हम देख रहे हैं कि सबके घरों को तोड़ा जाता है। क्यों तोड़ा जाता है? तो बोलते कि आने नहीं है, प्लान पास नहीं, फलाना है, ये है, वो है, बहुत सारी हमें कमियां दिखाई जा रही है प्रशासन की ओर से। अभी मेरी खुद की फाइल पड़ी हुई है 2021 की आने के लिए, आज चल रहा है 24, मैं तीन बार कलेक्टर से मिल के आया हूं। मैं इसलिए बोलने के लिए बोल रहा था कि यहां लोकल से तो कुछ बोले, सांसद से बोल ही रहे, लेकिन हमें कुछ बोलने का मौका मिले गांव के लोगों को प्रतिनिधित्व करने के लिए। खुद की हमारी एनए की फाइल 3 साल से पड़ी हुई कलेक्टर ऑफिस में। अभी आप सोचिए कौन घर बनाएगा, कहां घर बनाएगा? LIG की स्कीम में 10 रुपए, हम नहीं बोल रहे हमको 10 रुपए वाला एक बिल चाहिए, हम ये बोल रहे हैं कि उसको भी कुछ 10 का 100 किया जाए, 100 का 200 किया जाए, लेकिन सीधा 3,500 का भी लाइट बिल आ रहा है। फैक्ट्रियों में कितना बेसिक रेट कितना है? 400 समथिंग है, 13 या समथिंग, 2800-2834 सर, वो भी फैक्ट्री में नहीं मिल रहा है। हाँ के ना हाचो बोल तुम बुद्धा, फैक्ट्रियों में 400 पर पगार मोले के नहीं मोले? नहीं मोले सर। हमने बहुत सारे फैक्ट्रियों का पे स्लिप भी मांगा, लेकिन बेचारे डरते हैं, क्यों? फैक्ट्री से निकाल लेंगे तो सर का पगार ही नहीं पूरी मिल रहे तो हम बिल कैसे भरेंगे?